खिचड़ी दान की जाती है खिचड़ी इसलिए कि सर्दी और मर्दी काला काली उड़द की दाल और सफ़ेद चावल काली उड़द की दाल तो सर्दी का प्रतीक है और सफ़ेद चावल जो है तो ये मिलन हो रहा है वहाँ सूर्य भगवान उसी दिन लौट करके और हमारे उत्तरायण की तरफ आते हैं सर्दी ख़त्म होने वाली होती है तो खिचड़ी खिचड़ी का दिन कहलाता है वो खिचड़ी दिन है सर्दी और गर्मी मिले हुए हैं अच्छा गुरु जी ऐसे ही आपने एक बार माघ मास में कंबल दान के विषय में भी बताया था किसका जो ये माघ का महीना है माघ के महीने में कंबल दान करने की प्रथा रही है तो इसके विषय में कुछ बताएं आप ये तो सीधी साधी बात है जो दानी लोग हैं वो ऐसी चीजें दान करते हैं जिसका रिलेवेंस हो तो माघ के महीने में बड़ा पवित्र महीना मांगा माना जाता है माघ का महीना एक महीने गंगा जी के किनारे लोग कल्पवास करते हैं और माघ माघ स्नान में पुण्य का पुण्य की प्राप्ति करते हैं तो माघ स्नान में जो सर्दी होती है उसको दूर करने के लिए ऐसी चीज़ जो सर्दी को हरण कर सके वो उसका ही दान किया जाता है तो कंबल दान की पर, यही परंपरा ये यह माघ के महीने के इसीलिए निकली के लोग माघ के महीने में जो जाएँ उनको सर्दी से बचाने के लिए हम वो चीज़ दान करें जो सर्दी से उनको रोक सके पहले लोग रजाइयाँ दान करते थे फिर आ, कम्बल कम होते थे ज़्यादा ज़्यादातर लोग रजाई बनाते थे तो रज़ाइयाँ दान करके आते थे जैसी जिसकी कैपेसिटी हो यहाँ एक लाला जी थे बहुत प्रसन्न थे गर्ग साहब वो सोलह सत्रह रजाइयाँ दान करते थे और उनका क्या था कि जब रजाई दान करते थे तो कंबल भी दान करना शुरू कर दिया था उन्होंने तो वो तालाब पर पड़े हुए जो दो लोग हैं भिकवंगे उनको बैग कर करके कर, 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 आते थे तो वो क्या करते थे कि जैसे ही कंबल दान किया उन्होंने वो जाकर कंबल को बाजार में बेच देते थे और शराब शुरू सुल्फा उल्फा पी जाते थे तो हमने कहा राजा जी लाला जी हम आपको बताएँगे कहाँ कम्बल दान वहाँ करना चाहिए जहाँ शीत से आदमी पर दुखी हों तो शीत से दुषी दुखी होने के आदमी मतलब ये है कि हमने लाला जी कहा लाला जी कहने लगे खुले में पड़े रहते हैं मैंने कहा तो बेच देते हैं घंटे भर बाद जाओगे तो फिर उसी हालत में पड़े होंगे इसलिए झुग्गी झोंपड़ियों में चलो और झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर के जब हमने कंबल और रदाइयाँ बाँटीं तो उनका मुँह मुँह खिल गया ऐसा खिल गया जैसे फल कोई फूल खिल जाता है कि वो सर्दियों में पड़े हैं झुग्गी झोंपड़ी में टूटे हुए में और वहाँ उनको जाकर लाला जी ने कंबल दान कर दिया तो माघी स्नान का दान जो है वो पूर्ण कंबल दान से ही मिलता है क्योंकि माघी स्नान में सर्दी बहुत होती है और एक महीना नहाना पड़ता है लगातार तो उस सर्दी का हरण करने के लिए कंबल दान की बड़ी प्रथा हमारे यहाँ चली है सारी के सारे जी अच्छा गुरु जी एक आ, जो ये सर्दी का मौसम है इसमें तिल दान की भी परंपरा रही है तिल तो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही फ़ायदेमंद है सर्दियों में आयुर्वेद में तो इसको लिखा है कि पूस के महीने में तो तिल अवश्य खाना चाहिए और बच्चों को खिलाना चाहिए तो पूस का महीना सबसे ठंडा होता है इसलिए उसमें ये कहा कि पूस के महीने में तो ज़रूर तिल खिलाना चाहिए तिल खिलाने से बच्चों की आयु बढ़ेगी आयु बढ़ने का मतलब बीमार नहीं होंगे उस महीने में तो तिलकुट तो बनाता है कोई रेवड़ियाँ बनाता है कोई कुछ को खाता है और माघ का महीना जब ये ख़त्म हो जाता है ठंड का पूस का महीना ख़त्म हो जाता है और माघ की संक्रांत आती है तो माघ की संक्रांत को यही दान किया जाता है तिल दान किया जाता है खिचड़ी दान की जाती है खिचड़ी इसलिए कि सर्दी और मृदी काला काली उड़द की दाल और सफ़ेद चावल काली उड़द की दाल तो सर्दी का प्रतीक है और सफ़ेद चावल जो है तो ये मिलन हो रहा है वहाँ सूर्य भगवान उसी दिन लौट करके और हमारे उत्तरायण की तरफ आते हैं सर्दी ख़त्म होने वाली होती है तो खिचड़ी खिचड़ी का दिन कहलाता है वो खिचड़ी दिन है सर्दी और गर्मी मिले हुए हैं तो खिचड़ी दान की जाती है और उसके साथ तिल दान किए जाते हैं गजक रेवड़ी कोई भी चीज़ क्योंकि ये तिल दान जो है ये सर्दियों के अंदर बहुत ही आयुर्वेद इसको बहुत ही ज़्यादा एक तरह से मानता है कि सब रोगों का हरण करने वाला तिल है तो इसलिए तिल के दान की बड़ी परंपरा है तिल दान करो तिल दूसरों को खिलाओ बच्चों को तिल खिलाओ खूब दृष्टि से तो सर्दी नहीं लगेगी उनको तो इसको हमने आयुर्वेद से लेकर के धार्मिक परंपरा बना ली कि धार्मिक परंपरा से तो कब सब खिलाएंगे आयुर्वेद को कोई मानो या ना मानो जी हम तो आयुर्वेद को लोक लोकाचार के साथ जोड़ दिए जोड़ दिया